नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलिस गोली लगने से हुई युवक की मौत में शव का मंगलवार को हुआ पोस्टमार्टम, समझौता वार्ता के बाद परिजनों को सौंपा शव। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट पुनर्विचार याचिका पर कहा, प्रदर्शनकारियों ने नहीं पढ़ा जजमेंट, लेकिन बेकसूरों को ना मिले सजा। शहीद हेतराम के पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव, प्रशासनिक और सेना ने अर्पित किए पुष्पचक्र। राजस्थान के डूंगरपुर के सोनेसर गोदारा का है जवान। धौलपुर में बना बाल मैत्री पुलिस थाना, प्रदेश के सभी थानों को बनाया जाएगा बाल मैत्री, बच्चों में विश्वास बनाना ही है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के अलवर में दलित समाज द्वारा सोमवार को किए गए बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में कई जगहों पर झड़पें हुई। जहां एक ओर बंद समर्थकों ने कई वाहनों को फूंक डाला, वहीं थाने पर आग लगाने की घटना भी सामने आई। इस दौरान खैरतल में पुलिस की गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। मंगलवार मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग के साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग माने जाने पर ही शव को लेने की बात कही। वहीं शाम को समझौता होने के बाद बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मंगलवार सुबह अलवर के सामान्य चिकित्सालय में बंद के दौरान हुई युवक की मौत के बाद शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजन और समाज से जुड़े लोग अस्पताल में जमा हो गए। इस दौरान कांग्रेस पूर्व विधायक टीकाराम जूली ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने और सरकारी नौकरी दिए जाने सहित दो थानों के SHO को सस्पेंड करने की बात रखी। उसी स्थिति में तो इस प्रकार की बात कर दी कि भाई SC और जनरल समाज आपस में लड़ने को उतारू हो जाए, इस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ का प्रशासन पैदा कर रहा है। इसमें RSS की भूमिका है, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है, जो लोग इसको दूसरा मोड़ देना चाह रहे हैं। जबकि हमारी जो इतनी सी डिमांड है कि हमारा जो कानून है, जो SC का जो कानून है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको कमज़ोर नहीं किया जाए। आप आंकड़े उठा के देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में SC के जो अत्याचार हैं वो 60% बढ़े हैं। और खुद अलवर बड़ा सेंसिटिव इस मामले में है, यहाँ अभी पुलिस के द्वारा ही दहमी कांड बहरोड के अंदर किया गया। और हम यही चाहते हैं कि हमारे कानून में पैरवी करे सरकार, हमारे इसको ये नहीं किया जाए कि भाई कोई समाज अगर कोई डिमांड रखता है तो उसको प्रशासन के द्वारा माना जाए। अब आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से प्रशासन दबाव डाल रहा है, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए, नहीं हमने तय नहीं किया है। तय करने वाले हम कोई भी नहीं है, समाज पूरा तय करेगा और पूरे समाज ने मिलकर ये कुछ डिमांड्स जो तय की गई हैं और उन्हीं डिमांड्स पे अगर सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर इसमें इस मामले को रुकाया जाएगा। वहीं कल हुए दंगों के बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन अस्पताल में काफ़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली, पूर्व जिलाध्यक्ष साफिया खान और दलित समाज नेता सूरज मल करदम सहित वहां खड़े वकीलों को भी पुलिस ने जाने के लिए कहा और बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी पुलिस और QRT टीम ने खदेड़ दिया। वहीं दोपहर बाद तक प्रशासन और दलित समाज के नेताओं के बीच समझौता वार्ता चली। इससे पूर्व अलवर ग्रामीण विधायक जयराम जाटव और टीकाराम जूली के बीच जमकर खींचतान हुई। जाटव ने शहर में हुए दंगों के पीछे जूली पर आरोप लगाए। वहीं प्रशासन से हुए समझौते के तहत मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी कि उसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई प्रावधान होगा तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे और थानेदारों को सस्पेंड करने की मांग पर आश्वासन दिया गया कि एक कमेटी बनाकर घटना की जाँच की जाएगी।
उधर हिंडोन सिटी में सोमवार 2 अप्रैल को दलित समाज द्वारा किए गए भारत बंद के दौरान चारों तरफ प्रदर्शन हुए, जिसमें अनेकों जगहों पर आगजनी की खबरें आई। साथ ही वाहनों और थानों तक में आग लगा दी गई। ऐसे में गैर दलित समाज के लोगों ने आंदोलन के इस रवैये के खिलाफ राजस्थान के हिंडोन में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी की जानकारी मिली है। दलित आंदोलन के नाम पर सोमवार को फैली हिंसा मंगलवार को भी थमी नहीं। हिंसा ने मंगलवार को भी उग्र रूप धारण कर लिया। कई वाहनों में तोड़ फोड़ और आग लगा दी गई। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पूर्व विधायक भरोसीलाल जाटव के 3 मकान और 1 शोरूम में आग लगा दी। इसके अलावा विधायक राजकुमारी जाटव के मकान में भी आग लगाई गई। बढ़ती हिंसा के मद्देनजर हिंडोन सिटी में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। कलेक्टर SP क्षेत्र में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए SDF और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। हिंडोन छावनी में तब्दील हो गया। जिले में रोडवेज बसों का संचालन भी बंद है। हालांकि रेल मार्ग बहाल कर दिया गया। वहीं बाड़मेर में सोमवार को बंद के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन ने सेना का सहयोग लिया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान नजर आए। वहीं बाड़मेर में सेना के जवानों ने बाजारों में फ्लैग मार्च भी किया। गौरतलब है कि सोमवार को बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2 दुकानों में आग लगा दी थी और 3 वाहन जला दिए थे। जम्मू कश्मीर के शोपिया गांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सोनिया सर के हेतराम गोदारा के पार्थिव देह सोमवार रात 8 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंची। नाल एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता, SP सवाई सिंह गोदारा आदि ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुए आतंकियों में हुई मुठभेड़ में राजस्थान का एक जवान हेतराम भी शहीद हो गया। आज उनका पार्थिव देह बीकानेर के मिलिट्री अस्पताल लाया गया। यहाँ से सुबह शहीद चंद चौधरी उद्यान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहाँ विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी और जिला कलेक्टर सहित सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। उसके बाद शहीद के पार्थिव देह को पैतृक गांव डूंगरगढ़ तहसील के सोनिया सर गोदारा में ले जाया गया। गाँव में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं सभी ग्रामीणों की आंखें भी नम थी। गौरतलब है कि हेतराम राष्ट्रीय राइफल में 9वीं जाट रेजिमेंट का जवान था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया। हेतराम का जन्म 25 जनवरी 1993 को साधारण किसान हड़माना राम के यहां हुआ था। हेतराम से छोटे 2 भाई और 1 बहन भी है। 3 साल पहले ही उसकी शादी जसरासर की सुंदरी देवी के साथ हुई थी। हेतराम के 1 साल का बेटा भी है। शहीद की शहादत का समाचार मिलते ही गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर दिए अपने पहले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 3 दिनों के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुली अदालत में सुनवाई करते हुए कहा कि SC/ST एक्ट के प्रोविजन में से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि वह इस एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट से बाहर क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा काम कानूनी बिंदुओं पर बात करना और संविधान के तहत कानून का आकलन करना है। कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट में पीड़ित को मुआवजा देने में देरी नहीं होगी, उसके लिए FIR के इंतजार की भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से बार बार 20 मार्च के फैसले पर स्टे लगाने के आदेश को कोर्ट ने ठुकरा दिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हमारा जजमेंट पढ़ा ही नहीं है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद है। केंद्र सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने कहा कि यह एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने सोमवार को भारत बंद के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और जान माल के नुकसान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए 2 बजे का समय तय किया था।
केंद्र सरकार ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा कि 1979 में बनाए गए इस कानून के कठोर प्रावधानों को नरम करने संबंधी 20 मार्च के फैसले के बहुत ही दूरगामी परिणाम हैं। पुनर्विचार याचिका को न्यायोचित बताते हुए केंद्र ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक उपायों के बावजूद वे अभी भी कमजोर हैं। याचिका में कहा गया कि वे अनेक नागरिक अधिकारों से वंचित हैं, उनके साथ अनेक तरह के अपराध होते हैं और उन्हें अपमानित तथा शर्मसार किया जाता है। अनेक बर्बरतापूर्ण घटनाओं में उन्हें अपनी जान माल से हाथ धोना पड़ता है। याचिका के अनुसार अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके प्रति बहुत ही गंभीर अपराध हुए हैं। केंद्र ने कहा कि इस कानून की धारा 18 ही इसकी रीढ़ है, क्योंकि यही अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पैदा करती है और इसमें किसी प्रकार की नरमी ज्यादतियों के अपराधों से रोकथाम के मकसद को ही हिला देती है। पुलिस पर बच्चों का विश्वास बनाना ही बाल मैत्री पुलिस थाना बनाने का प्रमुख लक्ष्य है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने राज्य के धौलपुर जिले में स्थित सदर थाने का नाम आज बदलकर बाल मैत्री आदर्श पुलिस थाना सदर बनाया है, जिसके उद्घाटन में पहुंची राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह IPS ने थाने की बाल मैत्री केंद्र का उद्घाटन किया। चतुर्वेदी का कहना था कि राज्य के सभी जिलों के लिए आज धौलपुर का सदर थाना उदाहरण बन चुका है। थानों में बच्चों को अपनी बात कहने में भय लगने की स्थिति में बच्चों को संरक्षित, सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने की दिशा में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान में यह अभिनव प्रयास है जिसमें बाल मैत्री पुलिस थाना बनाया गया है, जिसकी विशेषता यह है कि इसमें दीवारों पर बच्चों को सहज बनाने के लिए विभिन्न खेल खेलते बच्चों के प्रिंट बनवाए गए हैं। बच्चों को खिलौनों के लिए इंडोर गेम के भी सामान रखवाए गए हैं, जिससे बच्चों को तनाव से बाहर निकाला जा सके। थाने के केंद्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों की कहानियां, खेलकूद की किताबें आदि भी रखे गए हैं, जिसमें थाने में शिकायत लेकर आने वाले बच्चों को सहज माहौल मिले तो बच्चे अपनी समस्या बता सके। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मार्गदर्शन में स्थानीय संस्था के माध्यम से यह केंद्र का निर्माण करवाया गया है, जिसमें कार्यरत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को भी प्रशिक्षित करके बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की जानकारियां दी गई। चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य के सभी पुलिस थानों में बाल मैत्री वातावरण बनाने की दिशा में पुलिस महानिदेशक से मिलकर इसका प्रयास किया जाएगा। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित है कि बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण कि किसी भी तरीके की कष्ट में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो अपनी बात सहजता के साथ रख सके बिना किसी डर के, तो वो एक एनवायरनमेंट दीवारों पर पेंटिंग करके तो क्रिएट किया ही गया। साथ में यहाँ के भामाशाहों ने साथ देकर वहाँ पर एक 6-7 महीने पहले हमने एक विचार रखा था, उसको उन्होंने पूरा किया है, जिसमें कि यहाँ पे टॉयज भी हैं, बच्चों के लिए अच्छे इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं, साथ में उनके लिए बुक्स भी हैं और एक एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करने का प्रयास किया है। लेकिन इसको व्यवहार में लाने के लिए यहाँ के चाइल्ड वेलफेयर जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं। अभी एक मीटिंग भी होने वाली है श्रद्धा जी, और उसके बाद में जितने भी यहाँ का माहौल है, यहाँ के सभी ऑफिसर्स को बच्चों के साथ कम्फर्टेबल रखने का प्रयास किया है। और ये प्रदेश का पहला ऐसा थाना होगा और इसके बाद में ये पूरे राजस्थान के 800 थानों तक हम ये आवाज़ लेते हैं। SC ST एक्ट में संशोधन किए जाने के खिलाफ 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान जोधपुर में पुलिस की ड्यूटी निभा रहे इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी के हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें महामंदिर के श्रीराम अस्पताल में शिफ्ट करके अहमदाबाद के लिए भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी को घेर लिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इंस्पेक्टर को काफी दौड़ाया। इंस्पेक्टर महेंद्र जैसे ही अपने अन्य पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन वे निढाल होकर गिर पड़े। उन्हें महामंदिर के श्रीराम अस्पताल से शिफ्ट करके अहमदाबाद ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही उनके हृदय को 40 से अधिक बार इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए गए, लेकिन उनको फिर भी बचाया नहीं जा सका। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पुलिस गोली लगने से हुई युवक की मौत में शव का मंगलवार को हुआ पोस्टमार्टम।
समझौता वार्ता के बाद परिजनों को सौंपा शव। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट पुनर्विचार याचिका पर कहा प्रदर्शनकारियों ने नहीं पढ़ा जजमेंट लेकिन बेकसूरों को ना मिले सजा। शहीद हेतराम के पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव, प्रशासनिक और सेना ने अर्पित किए पुष्पचक्र। राजस्थान के डूंगरपुर के सोनेसर गोदारा का है जवान। धौलपुर में बना बाल मैत्री पुलिस थाना, प्रदेश के सभी थानों को बनाया जाएगा बाल मैत्री, बच्चों में विश्वास बनाना ही है लक्ष्य। स्पार्कल प्राइम इंडियन न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।